सोनी सुपर कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और चटपटी स्नैक्स की रेसिपी। ना कोई मैदा ना कोई आटा, फिर भी बनेगी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। एक बड़े साइज का हम कच्चा आलू लेंगे, छील के मिक्सी के जार में डालेंगे, छोटे टुकड़ों में काट के डालेंगे ताकि आसानी से पिस जाए। अब छोटे साइज के आलू ले तो दो डालें, मैंने बड़ा आलू लिया तो एक ही डाला है। थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हम साबुत धनिया डालेंगे, 1 इंच हम अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 4 हरी मिर्च डालेंगे। मैंने आधा कप चने की दाल का अच्छे से धो के 20 मिनट के लिए पानी में डिप करके रखी थी ताकि अच्छे से फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए, पीसने में आसानी रहेगी। पहले पानी नहीं डालेंगे, जूठ पड़ेगी तो बीच में 2 चम्मच पानी के डाल के पीसेंगे। बिना पानी डाले ही ऐसे ही पीस के लिए, आप देख सकते हो अच्छे से पेस्ट बन गया, दाल का कोई दाना नहीं रहा। हमारी दाल भी पहले से ही पानी में डिप थी, आलू में भी हमारे जूस रहता है तो ऐसे ही पीस जाएगा। हमने अपनी दाल को 2 बार करके पीसा है। आप एक बड़े जार लेंगे मिक्सी का तो 1 बार में पीस सकते हैं। 1 प्याज हम बारीक कट करके डालेंगे, आपको पसंद हो तो डालें वरना ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे, हाथ से क्रश करके डालेंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आए। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए, 1 छोटी चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। ध्यान रहे हमने हरी मिर्ची भी डाली है, साथ ही हम 1 छोटी चम्मच नमक भी डालेंगे। थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे बारीक कट करके। ना कोई आटा ना कोई मैदा कुछ नहीं डालेंगे, फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और कुरकुरा बनेगा। सभी मसालों को अपने अच्छे से मिलाएंगे, पानी नहीं डालेंगे पहले तो पतला हो जाएगा तो नाश्ता नहीं अच्छा बनेगा, ठीक सा अपना बैटर रखेंगे। हमने अपने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, अच्छे से गर्म हो गया। ऐसे हम हाथ के साथ छोटा छोटा स्नैक्स अपना बनाएंगे, आप चम्मच के साथ भी बना सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तभी डालें, ज़्यादा ठंडे ऑयल में डालोगे तो ऑयली बनेगा। स्नैक्स को डाल के मीडियम आंच कर देंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे, बढ़िया कुरकुरा हो जाएगा। ऐसे उलटते पलटते फ्राई करें ताकि एक जैसा कलर आए, ऐसे चलाते अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो निकाल लेंगे। गर्मा गर्म नाश्ते को हम एक प्लेट में निकालेंगे। हमने साथ में मिर्ची भी फ्राई की है, बहुत ही जबरदस्त लगेगी। आप आवाज सुन सकते हो कितना क्रिस्पी बना है, आपको तोड़ के भी दिखाएंगे, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे, इतने अमेजिंग और स्वादिष्ट। आपका पेट भर जाएगा पर दिल नहीं भरेगा, इतने अमेजिंग बने हैं। आप एक बार बना के ट्राई जरूर करें, आप कुछ ही मिनटों में बनाए, इतना आसान है बनाना। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी लेके आते रहेंगे।